नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एवरीडे स्टडी में। तो दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक और अपडेट यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। तो रेलवे ने यहाँ पर फाइनली RRB भुवनेश्वर जोन के जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनकी लिस्ट को यहाँ पर ऑफिशियली पब्लिश कर दिया है। तो दोस्तों, आप RRB भुवनेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इस वीडियो के पूरे होने के बाद आपको यहाँ पर PDF जो है वो मिल जाएगी। और दोस्तों, टेलीग्राम की लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर RRB भुवनेश्वर जोन में कितने टाइम्स कैंडिडेट जो है जिनको यहाँ पर DV के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है। तो दोस्तों, आपने हर PDF में यहाँ पर देखा होगा कि 50% एडिशनल कैंडिडेट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज लिखा होता है। बट जैसा कि आपको पता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही RRB बिलासपुर जोन के DV की लिस्ट पब्लिश की गई है, जिसमें यहाँ पर टोटल 1.45 टाइम्स कैंडिडेट जो है जिनको यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर भुवनेश्वर जोन में देख लेते हैं कि कितने टाइम्स कैंडिडेट जो है जिनको यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है DV के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर इस PDF में सबसे नीचे आने पर आपको मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3879 कैंडिडेट जो है जिनको यहाँ पर DV के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है। और दोस्तों, भुवनेश्वर जोन में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो यहाँ पर थी 2672 वैकेंसीज। और दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि DV के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए हैं 3879 कैंडिडेट। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर भी सेम टू सेम जैसा कि बिलासपुर जोन में दिया गया है, वैसा ही यहाँ पर भी 1.45 टाइम्स कैंडिडेट जो है जिनको यहाँ पर DV के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए सबसे पहले ऐसी अपडेट्स जो है वो लाता रहता हूं। तो दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।